हेलो एवरीवन, दिस इज़ चैप्टर 15 एडवर्ब्स डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इन प्रीवियस चैप्टर इन चैप्टर 14 आई हैड एक्सप्लेन्ड यू अबाउट एडवर्ब्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। हियर इन दिस चैप्टर यू विल नो अबाउट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इस चैप्टर में आप सीखेंगे एडवर्ब्स के डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में। जैसा कि आपने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था कि एडजेक्टिव में हम क्या करते हैं, क्वालिटीज़ के बीच में कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पर हमने एडजेक्टिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ा था। और उसी तरह से एडवर्ब्स में हमें कंपेयर करने के लिए भी 3 डिग्रीज अवेलेबल होती हैं। यहाँ पर आप एग्जांपल पढ़ सकते हैं, दिस इज 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6। हियर इन दिस टेबल यू कैन सी द फर्स्ट सेंटेंस इज मीना इज वॉकिंग स्लोली। मीना धीमे धीमे चल रही है। स्लोली यहाँ पर एडवर्ब है। नंबर 2 में देखेंगे आप, यहाँ लिखा है टीना इज वॉकिंग मोर स्लोली देन मीना। टीना मीना से भी धीमे चल रही है। तो यहाँ पर स्लोली एडवर्ब के साथ हमने मोर ऐड कर दिया, तो ये यहाँ पर हमारा कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया है। इसके बाद लिखा है रीना इज वॉकिंग द मोस्ट स्लोली ऑफ देम ऑल। रीना उन सब में सबसे धीमे चल रही है, तो यहाँ पर हमने सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया है। तो जैसा कि आपने एडजेक्टिव में पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पढ़ा था, वैसे ही एडवर्ब में भी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है। नंबर 4 सेंटेंस देखिए आप बस मूव्स फास्ट, एक बस तेज चलती है। फास्ट यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री में एडवर्ब है। अ कार मूव्स फास्टर देन बस, और एक कार बस से भी तेज चलती है। यहाँ पर हमने कंपेयर कर दिया कार और बस की जो मूविंग है उसके बीच में। ठीक है, नंबर 6 में लिखा है एन एरोप्लेन मूव्स द फास्टेस्ट देन ऑल। एरोप्लेन उन सबसे ज़्यादा तेज चलता है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो फास्टेस्ट लिखा हुआ है, फास्टेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री में एडवर्ब यूज हुआ है। इस तरह से आप आगे देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि एडवर्ब में भी हमारे पास 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। फास्ट को कंपैरेटिव में फास्टर लिखेंगे, फास्टेस्ट होगा, अर्ली होगा, अर्लियर होगा, अर्लीस्ट होगा। इस पूरे टेबल को आप लोग लर्न कर लेंगे, दिस इज टू बी लर्न। ओके, इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ एडवर्ब में हमें मोर और मोस्ट जोड़ के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना होगा, ये भी आपको लर्न करना है। इसी तरह से ये एक नंबर 3 में कुछ यहाँ पर हमें एडवर्ब्स दिए गए हैं, इनका इरेगुलर फॉर्म होता है, इनको भी आपको पढ़ना है। जैसे कि बैड का वर्स होगा, वर्स्ट होगा, लिटिल का लेस होगा, लीस्ट होगा, इसको भी आप पढ़ लीजिए। इन एग्जांपल्स को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ लिखा है मोहनी कुक्स वेल, शालिनी कुक्स बेटर देन मोहनी। मोहनी ठीक ठाक पकाती है, अच्छा पकाती है। शालिनी मोहनी से भी बेहतर पकाती है। कामिनी कुक्स द बेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि जो कामिनी की जो कुकिंग है वो उन सबसे अच्छी है। तो इस तरह से आप इन एग्जांपल को समझ चुके होंगे। अगर आपका कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट डे हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।